तो इस साल का सबसे बोरिंग मैच जीतने के बाद इंडिया ने फाइनली सीरीज को अब लेवल कर दिया है एंड अब बस आखिरी मैच जीतना है जिससे T20s में हार्दिक भाई की कैप्टेंसी की टिकट भी कंफर्म हो जाएगी। वो मिलनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। यार सेकंड T20 में इंडिया के लिए सीरीज ऑन द लाइन थी। मैंने सोचा था हाई स्कोरिंग थ्रिलर होने वाला है, मजा आएगा मैच देखने में। यहाँ थ्रिल छोड़ो, ऐसा स्लो मैच देखते देखते मुझे संडे रात को 10 बजे नींद आ गई थी। एक सिक्स नहीं पड़ा भाई, काहे का T20 मैच। वैसे भाई लोग पिछली वीडियो में तुम्हें याद ही होगा मैंने तुम्हें बताया था कैसे तुम iPhone 14 जीत सकते हो, पर तुम लोग वेट करते रह गए होगे और ये चांस मिस कर दिया होगा। इसलिए इस बार ₹1 में AirPods Pro जीतने का चांस लेके आया हूं, तो ये मिस मत करना, एंड में बताऊंगा। anyway, लेकिन इस बात की खुशी है कि इस विन के बाद एटलीस्ट हमारी टीम इस सीरीज में बनी हुई है और अगला मैच होपफुली एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर मैच हो या एटलीस्ट हाई स्कोरिंग तो हो। बताओ भाई ये मैच इतना बोरिंग हो गया था कि हम सूर्या भाई की बैटिंग देख के बोर हो रहे थे। और सूर्या भाई तो ऐसा लग रहा था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑडिशन देने आए हैं, मतलब सिलेक्टर्स को दिखा दिया कि ऐसे स्ट्राइक रेट से भी मैं खेल सकता हूँ। लेकिन भाई मेरे सारे दोस्त फेल है, सूर्या भाई इज द फ्रेंड आई नीड इन माय लाइफ। पहले मैच में मेडन ओवर खेला और अगले मैच में 80 के स्ट्राइक रेट से। सूर्या भाई और कितने गिफ्ट दोगे KL राहुल को शादी के? अरे दो दो पांच पांच करोड़ के सारे गिफ्ट फेल है, ये होता है असली गिफ्ट। मेरे से पंगा मत ले, ठीक है, भूत बना दूंगी तेरा भाई। लेकिन हंसी तो इस बात पे आ रही कि ये पिच इस साल IPL में LSG का होम ग्राउंड होने वाला है। मतलब माना पिच कैप्टन के लिए फेवरेबल है लेकिन T20 मैचेस के लिए नहीं। बट इतना तो है कि भाई अगर इस पिच में मैचेस हुए तो फिर ऑरेंज कैप भूल जाओ। ये है कौन स्टेडियम में घोड़े से आए हैं? जी एड्रेस भूल गया क्या मंडप का? कोई घोड़े पे आए जी? ये खिलाड़ी मानी जाती है केजू जी? बहुत बढ़िया खिलाड़ी है जी, सेक्स मैन मेक्स मैन। और ये देखिए भाई पिच इतनी बुरी थी कि मैच खत्म होने के बाद क्यूरेटर को ही फायर कर दिया। और देखो इतनी बढ़िया पिच थी स्पिनर्स के लिए, अपने कुलचा ने भी फाइनली साथ में खेल लिया T20 है। लेकिन फिर भी यार हमने अपने मेन स्पिनर को बहुत मिस किया यार इस मैच में। चुप कर बे कुत्ते। लेकिन दोस्तों एक होती है बुरी किस्मत, फिर आते हैं शिवम मावी जो एक भी विकेट नहीं निकाल पाए इस पिच पे, और फिर आता हूँ मैं जिसके तुम 300K ही नहीं करा रहे हो। भाई किसकी वेट कर रहे हो, अब तो फरवरी भी आ गया, 300K कंप्लीट करा दो यार। चलो अब बात कर लेते हैं कैसे तुम लोग जीत सकते हो AirPods Pro, क्योंकि भाई ये एक नहीं दो नहीं तीन विनर्स को मिलने वाला है। देखो फर्स्ट स्टेप को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच होने वाला है उसके लिए My11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक तुम्हें नीचे मिल ही जाएगा। मेरी तरह अपनी एक टीम बनाओ, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतने के चांसेस बढ़ाओ। साथ में तुम मेगा कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो जो सीरीज के हर मैच डे पे होता है, जहां तुम्हें महिंद्रा थार जीतने का चांस मिलेगा। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के फाइनल मैच में अभी से टीम बना के उतार दो कॉन्टेस्ट में, क्या पता अगले मैच में तुम लोग जीत जाओ। और मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो डिपॉजिट करने पे 20% एक्स्ट्रा रियल कैश भी मिलेगा अपने My11 सर्कल अकाउंट में तुम्हें। तो वेट मत करो, डाउनलोड करो और वीडियो के एंड में मैं भी तुम्हें अपनी टीम दिखा दूंगा। यार ये सीरीज एक मिनट के लिए साइड रखे तो अपनी अंडर-19 विमेन्स टीम वर्ल्ड कप जीत के आ गई है, इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप जीत लिया भाई, व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। बधाई हो दोस्तों, फाइनली इंडियन क्रिकेट के लिए एक अच्छी न्यूज सुनने को मिल रही है इतने टाइम बाद। और ये कोई ऐसी वैसी विन नहीं थी भाई, टोटल डोमिनेशन दिखाई अपनी लड़कियों ने और वो भी इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट। भाई 68 पे ऑल आउट कर दिया और उसके बाद 14 ओवरों में मैच भी खत्म कर दिया। टुडे वाज अ लैंडमार्क डे फॉर द इंडियन वुमेन्स अंडर-19 टीम एंड दे हैड अ फैंटास्टिक डे। आई वुड लाइक टू पास इट ऑन टू वांट्स टू कांग्रेचुलेट अंडर-19 वुमेन्स टीम, सो कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। भाई अपनी टीम तो अंडर-19 थी लेकिन इंग्लैंड वाली अंडर-13 लग रही थी। और तिता सधु जो मैन ऑफ द मैच थी, 4 ओवर में 6 रन और 2 विकेट्स, नाम सही ले रहा हूँ ना। लेकिन भाई फाइनल्स में ऐसी इकोनॉमी से बॉलिंग करना एक अलग ही टैलेंट है यार। क्या बोल रहे हो, आवेश खान को टिप्स की जरूरत है? खैर भाई एक तरह से हमारा भी बदला ले ही लिया जो उन्होंने हमें वर्ल्ड कप में हराया था। और साल की शुरुआत अच्छी हुई है, मतलब एक टूर्नामेंट जीत लिया है, तो होप कर रहे हैं साल के एंड में भी एक टूर्नामेंट जीत ही ले। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। एंड अच्छा है शेफाली वर्मा की इस टीम के अंडर इंडियन वुमेन क्रिकेट का भी फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। बस अपने मेंस का भी ऐसा ही ब्राइट लगे तो थोड़ा अच्छा लगे, वरना पिछली 2 सीरीज से ईशान किशन की ऐसी परफॉर्मेंसेस देख के तो डाउट ही होने लग गया है। क्या ईशान भाई आप भी टेस्ट के लिए ऑडिशन दे रहे थे क्या? वैसे फायदा नहीं है क्योंकि वहां तो अपने राहुल भाई सेट है यार, और उनका तो हर मैच ही टेस्ट मैच का ऑडिशन होता है। भाई किसी दिन में KL भाई के हाथ लग गया बहुत पीटेंगे मुझे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। लेकिन यार प्यार भी करते KL राहुल से, इसीलिए थोड़े से जोक्स क्रैक कर लेते हैं। गजब टू बी वाज आदमी। वैसे इससे याद आया टेम्बा बुमरा ने सेंचुरी लगा दी इंग्लैंड के अगेंस्ट। भाई सूर्या भाई 80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, टेम्बा बुमरा सेंचुरी लगा रहा है, क्या हो गया क्रिकेट को? वैसे सुनने में तो ये भी आया कि बाबर आजम ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बन गए हैं। देखो अपनी तरफ से तो कांग्रेट्स है, लेकिन हमारे यहाँ से भी तैयारी शुरू हो चुकी है नंबर 1 पोजीशन वापस लेने की। एक्चुअली नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही बुक कर लो इस साल के लिए, तो क्योंकि ODI वर्ल्ड कप वाला साल है और रोहित और कोहली फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। बाय द वे इस T20 सीरीज के बाद रोड टू वर्ल्ड कप सीरीज का पार्ट 2 लेके आऊंगा, उसमें हम लोग श्रीलंका न्यूजीलैंड वाले ODI
प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस भी कवर कर लेंगे सारे प्लेयर्स की। जब तक हम कह रहे थे करो 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 ना भाई। देखो अगला मैच अहमदाबाद में है और सीरीज डिसाइडर होने वाला है, एंड क्योंकि मैं होप कर रहा हूँ कि पिच इस वाली से तो बेटर हो ही, इसीलिए चेंजेस भी होंगे टीम में, लेकिन ज्यादा चेंजेस की भी जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ओनली चेंज नेसेसरी इसकी उमरान मलिक को वापस ले आए और चहल भाई को रेस्ट दे दे। बाकी बैटिंग में सब सॉर्टेड है, ईशान किशन को भी रेस्ट नहीं दिया जा सकता क्योंकि भाई अपने पास कीपर नहीं है। तो आई थिंक पृथ्वी शॉ और ऋतुराज गायकवाड़ को एक और सीरीज के लिए वेट करना पड़ेगा। बाकी पूरी टीम आई फील सेम ही होने वाली है। शुभमन भाई और हार्दिक भाई का होम ग्राउंड है मतलब गुजरात टाइटंस वाला, तो उनसे भी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर ही रहे हैं, इसीलिए मैंने अपने माई 11 सर्कल वाली टीम में दोनों को रखा हुआ है। वाइस कैप्टन को कैप्टन बना दिया और कैप्टन को वाइस कैप्टन। बाकी तुम भी अपनी टीम बना के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना मत भूलना, और अगर कोई चेंजेस है तो मुझे बता देना कमेंट्स में। और जो अवार्ड्स वीडियो का पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ भाई थोड़ा बिजी चल रहा था, तो अब काम चल रहा है उस पे भी जोरों शोरों से आ जाएगी, आएगी जरूर भाई, मैं बता रहा हूँ आएगी जरूर। ये सब दोगलापन है। मैं निकलता हूँ भाई, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू, बाय बाय। एक्चुअली जैसा आपने मुझे लास्ट सीरीज में सिखाया था, लास्ट T20 सीरीज में मैंने वही ट्राई किया आज करने के लिए। मजाक में मत लेना, बैटिंग कोच है भाई, सब सिखाता है।